नमस्कार दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण खबर जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई है, नौकरी से जुड़ी हुई है, रोजगार से जुड़ी हुई है, नियमित नियुक्ति परमानेंट नौकरी से जुड़ी हुई है, उस विषय पर मैं आपके बीच बात रखूंगा। इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आप सब जानते हैं कि राज्य में 46,000 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होनी है, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल, उसमें सभी तरह के स्टाफ्स की नियुक्ति होनी है। और इसी बीच सरकार लगातार नियुक्ति नियमावली को भी हरी झंडी दे रही है। सरकार ने घोषणा किया था कि 45,000 कर्मियों के नियुक्ति की प्रक्रिया अक्टूबर से शुरू की जाएगी और अब अक्टूबर का लास्ट स्टेज है। अभी तक सरकार के स्तर से सिर्फ नियमावली को ही, कुछ कुछ नियमावली को फाइनल किया गया है, विज्ञापन की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। कई ऐसे पोस्ट हैं जिनकी अस्पताल में बहुत जरूरत है और उनकी भी नियमावली अटकी हुई है, आजकल किया जा रहा है और लगातार आश्वासन भी दिया जा रहा है कि अगले कैबिनेट में अब देखने वाली बात होगी कि जो कुछ नियमावली अब बाकी है वो अगले कैबिनेट में फाइनल होती है कि नहीं। एक बात और कहना चाहेंगे कि कल के ही समाचार पत्रों में लगभग 2,00,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन भेजने की बात कही गई है कि सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से विभिन्न आयोगों को नियुक्ति हेतु विज्ञापन भेजी गई है, ऐसा जिक्र किया गया है। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है? ये सब सिर्फ कागजों में दिखाया जा रहा है, समाचार पत्रों में दिखाया जा रहा है। जरूरत है इसको धरातल पर उतारने की। आप सब जानते हैं कल के ही समाचार पत्रों में 2,00,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति का जिक्र था, जिसमें गृह विभाग से लेकर के शिक्षा विभाग, गृह विभाग, कृषि विभाग, तमाम विभागों में, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की भी उसमें जिक्र थी। 12,000 पदों का उसमें जिक्र किया गया है और उम्मीद है कि जो वो 12,000 पदों की बात की जा रही है वो पारा मेडिकल कर्मी की ही नियुक्ति की बात है, जिसमें लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ड्रेसर और स्टाफ नर्स की कुछ पोस्ट हैं। ऐसा जानकारी मिली है कि वही सारी फाइलें तैयार करके विज्ञापन भेजने का प्रोसेस किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि धरातल पर जब आती है उसमें क्या है। मैं लगातार इस चीज के लिए प्रयास कर रहा हूं और पूरी हमारी टीम पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार भी लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। सरकार ने कहा था, सरकार के माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी ने भी घोषणा किया था कि स्वास्थ्य विभाग में अक्टूबर महीने से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन अभी तक धरातल पर दिखी नहीं है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, कुछ नियमावली फाइनल हुई है और अभी भी नियमावली जो बाकी है, मेरा प्रयास है कि वो जल्द से जल्द फाइनल हो। आप सब जानते हैं कि अभी आचार संहिता भी लगा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में बिहार सरकार को कोई भी नीतिगत फैसले लेने के लिए उनको चुनाव आयोग से परमिशन भी लेना है, उसके बाद ही वो इस तरह के फैसले ले सकते हैं। तो जानकारी मिली है कि उसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है चुनाव आयोग से परमिशन लेने का, और जो भी नियुक्ति नियमावली पेंडिंग है वो बहुत जल्द फाइनल होगी, जैसे ओटी असिस्टेंट का है और स्टाफ नर्स का है और भी कुछ कुछ पदों के लिए है। मेरा आप सबको ये कहना इसलिए है कि आप सब जागरूक रहिए, नियुक्ति नियमावली फाइनल होने के बाद यदि डिले होता है, विज्ञापन प्रकाशन में डिले होता है, नियुक्ति प्रक्रिया में डिले होता है, तो फिर आंदोलन का रुख अपनाया जाएगा।
हर हाल में नियुक्ति नियमावली के बाद विज्ञापन आना चाहिए। ठीक है 15 दिन नहीं, 30 दिन नहीं, 45 दिन हो गया, लेकिन विज्ञापन आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम डिले हो और एकदम चुनाव के मद्देनजर विज्ञापन प्रकाशित किया जाए, चुनाव जब डेट घोषित हो उस समय, यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छात्रों के हक अधिकारों से कोई समझौता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब बहालियां शुरू होती है बिहार में तो साल दो साल लग ही जाता है ज्वाइनिंग तक में, एक साल तो कम से कम लग ही जाता है। तो साल दो साल लगे, उससे पहले विज्ञापन आए, पहले विज्ञापन प्रकाशन हो, लोग उसमें फॉर्म भरे और तुरंत तुरंत प्रोसेस हो। क्योंकि आप सब जानते हैं कि किसी भी नियुक्ति का विज्ञापन आता है तो उसके बाद फॉर्म लोग भरते हैं, फिर उसके बाद फॉर्म एडिट का ऑप्शन आता है, फिर उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे होने के बाद जो है सो सेंटर चयन होता है, फिर एग्जाम ली जाती है, एग्जाम लेने से 3 महीने पहले सिलेबस देती है, उसके बाद एग्जाम होती है, एग्जाम के बाद रिजल्ट जारी होता है, फिर रिजल्ट के बाद जो है सो काउंसलिंग प्रक्रिया होती है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फाइनल मेरिट जो है सो विभाग को सौंपी जाती है, और फाइनल रिजल्ट के बाद कि इतने लोग जो है सो सेलेक्ट हो गए हैं और अब इनका ज्वाइनिंग पोस्टिंग अपने हिसाब से मतलब कराया जाए, विभाग को दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो आप सबको मैंने इसलिए ये बताया कि सरकार कुछ दिन पहले 46,000 बहाली, 46,000 पदों पर, जिसमें पैरामेडिकल के पद थे, पैरामेडिकल के ओटी असिस्टेंट थे, एक्सरे टेक्नीशियन थे, ईसीजी टेक्नीशियन थे, ड्रेसर था, स्टाफ नर्स के उसमें पोस्ट थे, डॉक्टर्स के पोस्ट थे, तमाम तरह के पोस्ट थे। और सरकार कह रही थी कि अक्टूबर से प्रक्रिया शुरू करेंगे। कल एक समाचार पत्रों में 2 लाख से अधिक पदों पर जो है सो नौकरी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है, सभी विभाग को मिला के। तो ये तमाम चीजें समाचार पत्रों में दिख रहा है। मैं चाहता हूं कि धरातल पर यह चीज दिखे और छात्रों को इसका लाभ मिले। व्यापक पैमाने पर जो छात्र बेरोजगार हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उन लोगों को रोजगार मिले और नौकरी मिले। ये तब संभव है जब विज्ञापन प्रकाशन हो और एकदम टाइम लिमिट में सरकार उसको पूरा करे और एकदम बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उसको ज्वाइनिंग दे, तब बेहतर हो पाएगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अपने आप में जागरूक हो, अपने दोस्तों को जागरूक करें, अपने साथी छात्राओं से भी मेरा कहना है कि अपनी सखी सहेलियों को भी जागरूक करें। और जागरूक इसलिए करें कि जब नियुक्ति नियमावली फाइनल हो रही है और फाइनल होगी तो उसके बाद हम लोगों को अगर एक टाइम लिमिट में विज्ञापन प्रकाशित नहीं होती है तो हम लोगों को मिल करके मजबूत आंदोलन भी करना पड़ेगा। तो हम लोगों को आगे रह करके आंदोलन करना है और हम लोग मजबूती से आंदोलन करेंगे, क्योंकि हक अधिकार से समझौता नहीं किया जा सकता है। और आप सब जानते हैं कि हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, हक अधिकार मांगने से कई बार नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। तो हम लोगों को सड़क पर उतरने की भी जरूरत पड़ सकती है, ये मैं आगाह करना चाहता हूं आप लोगों को। इसलिए आप सब एकजुट रहें और हमेशा अपने हक अधिकारों के लिए सचेत रहें, क्योंकि हक अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजा जाता है। मैं आग्रह आप सबसे कर रहा हूं कि आप लोग जागरूक रहेंगे तो आगे मजबूती से आंदोलन किया जाएगा और अपनी मांगों को धरातल पर उतारने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद। भारत भूषण, प्रदेश अध्यक्ष, पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार।